नफरत छोड़ो भारत जोड़ो अभियान के तहत दुर्ग के कांग्रेसियों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पहले चरण के छठवें दिन भी शहर का भ्रमण किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण में रविवार को छठवें दिन भी गांधी चौक राम मंदिर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद के द्वारा दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष आर.एन. वर्मा, नगर पालिक निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव की अगुवाई में यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होकर इस यात्रा का उद्देश्य बताते लोगों से मुलाकात कर राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की मंशा पूरे भारत देश से नफरत को हटाकर एकता और भाईचारे का पैगाम फैलाना है, तो लेकर शहर की जनता से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का आह्वान कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हामिद खोखर, हेमंत तिवारी, प्रवक्ता संदीप श्रीवास्तव, अजय मिश्रा, कन्या ढीमर, जगमोहन ढीमर, श्रीकांत तिवारी, शिवाकांत तिवारी सहित अन्य उपस्थित थे। इस संबंध में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देश देख रहा है कि हमारे जन नायक राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो। उस पद आज लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। हम लोग दुर्ग में ब्लॉक कांग्रेस मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हमारा छठवां दिन था भारत जोड़ो यात्रा का अरुण वोरा जी के नेतृत्व में। इस बात का संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है। ये वो देश है जहाँ बड़े बड़े सूफी संतों ने जन्म लिया है और जिन्होंने हमें हम पर चलना सिखाया है और हम लोग मोहब्बत बांट कर देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हम लोग निकाल के एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सब भाई भाई हैं, मिलकर सब काम करेंगे और देश के लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांत जो सर्वसंभाव की भावना लेकर सर्व समाज को लेकर जो कांग्रेस पार्टी चलती है, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को आम जनता तक पहुँचाते हैं और जनता भी शहर इस बात को स्वीकार करते हुए हमें समर्थन देते हुए हमारे साथ यात्रा में जुड़ती है, क्योंकि जनता भी जान चुकी है भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा जनता अपने साथ हमारे साथ लगाते हुए चलती है। पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा सफल नजर आ रही है। देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर देखने को मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।